हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सुनील और इस टाइम है NH2 पर हम, और आज हम जा रहे हैं बटेश्वरनाथ धाम, जिन्हें छोटी काशी भी कहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको सारे व्यू दिखाएंगे और आप लोग भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा प्लीज। तो फाइनली हम मंदिर की प्रवेश गेट पे आ गए हैं, गाड़ी को पार्क भी हो गया है और अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे और देखते हैं कि कैसा है मंदिर, क्योंकि हम भी आज पहली बार ही यहाँ आए हैं। देखते हैं अंदर जाने के बाद कैसा दिखता है अंदर से मंदिर। मैंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है और सुना है कि यहाँ पे 108 शिवलिंग हैं और सबके अलग अलग मंदिरें हैं, तो इस हिसाब से बहुत सारे मंदिर होंगे। तो आज देखते हैं कि कैसा भी है। आज हम थोड़ा जल्दी में हैं तो थोड़ा फास्ट बना के ब्लॉक यहाँ से जाने की भी तैयारी करनी है। थोड़ा दूर से आए हैं, आप लोग को तो पता ही हो हम दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली से आने में करीब यहाँ 4-5 घंटे लग गए। अपनी कार से आने में भी इतना टाइम लगता है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर की ये सारे व्यू हैं और ये दुकानें लगी है सारे यहाँ पे, और ये सब है, देख लीजिए। पूजा के सामान मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अब हम पहले जाएंगे, एक पूजा की थाली लेंगे और उसके बाद जाएंगे यमुना जी में। जाने के बाद वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ नदी भी उल्टा बहते हैं, पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेंगे। हम वहीं से पहुँच गए हैं, बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाले हैं वहीं से। और हम पूजा की थाल ले लिए हैं यहाँ से, माँ को देखते हैं, शायद 20-30 रुपए की होगी इतने की। फाइनली हमने थाली ले ली है और अब मंदिर की तरफ जाएंगे। पहले पांव धोना पड़ेगा और हमारे साथ ही हैं ये सब, और हम सब आए हैं घूमने, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। अच्छा है मंदिर, वैसे शांति जगह पे है, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है नहीं है। और ये देखिए, ये यमुना जी हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और जब नदी साफ़ होते हैं तो देखने में भी अच्छा ही लगता है। और हमने यहाँ पर बहुत देर रुके हैं और देखे हैं तो अच्छा लगा देखने में मुझे। ये सब वो है जो इस पर आप बैठ के घूम सकते हैं, इसमें इसके कुछ चार्ज लेते होंगे। अब हमने गंगा जल भर लिए हैं यहाँ से और चलेंगे मंदिर में पूजा करने चलते हैं। और मेरे को लग रहा है मंदिर के अंदर का सीन तो नहीं लेने देगा, क्योंकि ज़्यादातर मंदिर में फ़ोटो लेना अलाउ नहीं होता है। हमने मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर लिए, हम देखते हैं क्या है। और फाइनली लग रहा है वही है, फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो अब हम मंदिर से बाहर आए हैं और ये नंदी जी हैं, यहाँ पे ये बाबा साहब बैठे हुए हैं, चंदन कर रहे, आ सकते हैं आप, टीका लगवा सकते हैं।